कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म फिल कब स्टार्ट होंगे। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होनी है जहाँ प्राइवेट में होनी है, जहाँ एडेड में होनी है। काउंसलिंग जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है और साथ में उसके एफिलेटेड जो कॉलेज हैं, क्योंकि कुछ कॉलेज एफिलेटेड नहीं है चंडीगढ़ के, तो वो अलग से उनकी काउंसलिंग होती है। तो ये जो कॉलेज हैं उनमें जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज, जलंधर है, फरीदकोट है, मलेरकोटला है, पटियाला का स्टेट कॉलेज है, ये सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस की अलग से कोई फॉर्म नहीं फिल किया जाएगा। जब आपने फॉर्म सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की प्रेफरेंस चॉइस फिल करनी है, वो कॉलेज की प्रेफरेंस, और आपने फिल करनी है सब्जेक्ट की प्रेफरेंस, तो आपने सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज फिल कर देना है। हो सके तो कॉम्बिनेशन चेंज करें, दूसरा कॉलेज भी फिल कर सकते हो, लेकिन इंडिविजुअल गाइडेंस तब चाहिए कि आपने क्या प्रेफर करना है। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अलग से कोई फॉर्म नहीं है, आपने चॉइस जब फिल होनी है तब पहले नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज जो जो भी आप चाहते हो वहाँ फिल कर सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में दिक्कतें भी हैं कुछ, क्या कि फीस का कोई ज़्यादा फर्क नहीं रह जाता, अगर आप दूर जाते हो तो खर्चा उतना बढ़ जाता है। तीसरा है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अवेलेबल नहीं है, आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पहले देख लेने चाहिए, और नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो वहाँ रिलेटिवली कम होंगी दूसरे कॉलेज के मुताबिक, क्योंकि कई कॉलेजेस में 200-200 सीट्स हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में 100 या 50 सीट्स होती हैं। तो डिपेंड करता है आपका कॉलेज कौन सा चूज़ करना चाहते हो, और वो फर्स्ट प्रेफरेंस आप फिल कर दीजिए। थैंक यू।